टैक्स उठाना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बहुत टैक्स की मार। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, क्या आपको सरकार में बने रहने का, सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार है? आपने क्या क्या वादे किए थे और लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है? इलेक्शन से पहले आप कहते थे कि महंगाई के ऊपर अंकुश लगाया जाए, घर घर में रोजगार देने की आप लोग बातें करते थे, अच्छे दिन लाने की बातें करते थे, लेकिन मिल क्या रहा है लोगों को? हालत यह है कि आम नागरिक का जीना दूभर हो गया है। आज इस सरकार ने बना लिया है, महंगाई को आसमान पर चढ़ा दिया है, हर चीज के ऊपर टैक्स लगाए गए हैं, खाने पीने की चीजों के ऊपर टैक्स, आटा चावल दूध दही मक्खन पेन पेंसिल किताब पेट्रोल डीजल गैस कोई चीज नहीं छोड़ी है। ये सरकार कहती थी अपोजिशन के दौरान, मोदी जी कहते थे जीएसटी नहीं लगने देंगे, और जब सत्ता में आ गए तो जीएसटी आते ही लगाया और 28% तक उसको पहुंचा दिया। अब स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, ये हो क्या रहा है? बिजली तो दीजिए, पहले बिजली कहीं है नहीं है, कभी शेड्यूल्ड कट है कभी अनशेड्यूल्ड कट है, लोगों को लूटा जा रहा है। मैं गांव में गया, वहां लोग कहते हैं फ्लैट रेट लगा रहे हैं 920 रुपया। कोई बेवा औरतें हैं जिनका कोई आमदनी का साधन नहीं है, कहां से लाएंगी वो इतना बिल? दो दो तीन तीन बल्ब लगाकर आप 900, 920 रुपया फ्लैट रेट उनसे वसूल रहे हैं, लोग कैसे देंगे? सर, अच्छे लोगों को अच्छे दिनों को वादा किया था इन्होंने। जितने बुरे दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिखाए हैं, ये दुश्मन को भी कोई ना दिखाए कभी, इतिहास में इतने बुरे दिन किसी ने नहीं देखे, और इसका हिसाब लोग लेंगे।